हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फेस्टिवल सीजन आना स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसे में जो बाइक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट पे अपने कस्टमर को नए नए ऑफ़र प्रदान करती है, तो ऐसे में मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको वो ऑफ़र का बेनिफिट मिल पाए। अगर आपने प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको कुछ बाइक या स्कूटर लेना है तो आपको वो ऑफ़र के तहत आपको मदद मिल पाए, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमहा के साइड से जो ऑफ़र निकल के आ रहा है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो ऑफ़र है ये यमहा की तरफ से ऑफिशियल ऑफ़र आउट किया गया है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि शोरूम अपने हिसाब से दे रहे हैं, शोरूम का अलग ऑफ़र होता है, बट ये जो है ये ऑफिशियल ऑफ़र है जो कि पूरे इंडिया में ये वैलिड रहेगा। एक आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे कौन से स्टेट में ये वैलिड नहीं है, बाकी सब जगह वैलिड रहेगा, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यमहा अपने सारे स्कूटर पे ये ऑफ़र दे रही है और इसका जो एंड डेट है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कब से कब तक ये आपको ऑफ़र मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यमहा ने 10 सितंबर 2021 को तैयारों के मौसम में अपनी स्कूटर की रेंज पर विशेष ऑफर की घोषणा की है। ये ऑफर कंपनी द्वारा पेश किए गए हैं। सभी स्कूटर पर ये आपको ऑफर मिलता है जिसमें नई लॉन्च की गई फसिनो 125 FI हाइब्रिड भी शामिल है इसमें, साथ ही इसमें रे ZR 125 FI हाइब्रिड भी शामिल है और साथ ही इन्होंने जो और एक लॉन्च किया है रे ZR स्ट्रीट रैली 125 हाइब्रिड और इन सभी के नॉन हाइब्रिड वर्जन, ये सब में ये आपको ऑफर मिलने वाले हैं। मतलब यमहा के जितने भी स्कूटर है आपको इंडिया में जिसमें आपको हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड सब में आपको ये ऑफर मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और इंपॉर्टेंट समझता हूँ बताने के लिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यमहा की जो सारे स्कूटर है उस पर तो ऑफर मिल रहा, यहाँ पर आप ये नहीं सोचिएगा कि यमहा के जो बाइक है उस पर भी ऑफर रहेगा। यमहा के बाइक पर अभी फिलहाल कोई ऑफर नहीं आया है, आगे कुछ भी अगर ऑफर आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा या इंस्टाग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि आपको सिर्फ यमहा की स्कूटर में ही ये ऑफर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ आपको ऑफर देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहला ऑफर के बारे में बात करते हैं जिसमें आपको फसिनो 125 FI और रे ZR 125 FI के नॉन हाइब्रिड मॉडल पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कंपनी है जो कि आपको इंश्योरेंस में 3,876 रुपये का बेनिफिट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपको 5 साल का जो इंश्योरेंस बनता है, अभी नया नियम है जो कि 5 साल का है, 5 साल का ही कंपनी आपको इंश्योरेंस बना के देती है, तो मान लीजिए 5 साल का इंश्योरेंस का जो चार्ज है वो 6,000 रुपये लगता है, तो उसमें से 6,000 रुपये में से 3,876 रुपये कंपनी आप पेमेंट करेगी, बाकी का आपका जो 2,124 रुपये बचता है वो आपको पेमेंट करना होगा। तो ये यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो पहला ऑफर ये चीज़ मिलता है जो कि फसिनो के ओल्ड मॉडल में देखने को मिलता है और रे ZR के ओल्ड मॉडल में देखने को मिलता है। इसी में सेकेंड ऑफर के बारे में बात करें तो जो कि है डाउन पेमेंट, अगर आपके पास 20,000, 30,000, 40,000 ऐसा इतने रुपये नहीं हो पा रहा डाउन पेमेंट देने के लिए तो आप बिल्कुल अब टेंशन फ्री हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है वो ऑफर निकाली है जिसमें आपको सिर्फ 999 रुपये का ही डाउन पेमेंट देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 999 रुपये का ही डाउन पेमेंट देना है, मतलब आप 1,000 रुपये लेके जाइए शोरूम में, डाउन पेमेंट कीजिए और फसिनो के ओल्ड मॉडल या रे ZR के ओल्ड मॉडल को आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ है, हो गया डाउन पेमेंट का स्कीम कंपनी निकाला है जिसमें आप सिर्फ 999 रुपये का डाउन पेमेंट देके रे ZR 125 या फसिनो FI के जो ओल्ड मॉडल है उसको आप ले सकते हैं, बाकी जो इजी EMI किस्त पे आप बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सेकेंड मॉडल जो कि आपको इन दोनों स्कूटर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो थर्ड ऑफर के बारे में बात करें जो कि इन्हीं दो मॉडल में आपको देखने को मिलता है, फसिनो के ओल्ड मॉडल और रे ZR 125 के ओल्ड मॉडल में, तो यहाँ पे जो कि कंपनी है कि 2,999 रुपये का एक सुनिश्चित उपहार आपको देने वाली है। यहाँ पर कंपनी ने ये नहीं बताया कि वो उपहार में क्या गिफ्ट करेंगे आपको, या हेलमेट हो सकता है या फिर कुछ और टी शर्ट वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, बट यहाँ पर ये चीज़ें कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया है कि क्या देने वाले हैं, बट कंपनी ने इतना बताया है कि 2,999 रुपये का सुनिश्चित ग्राहक को उपहार दिया जाएगा। साथ ही इसी में और एक ऑफर निकलता है जो कि फोर्थ ऑफर है, यहाँ पे कंपनी ने निकाला है स्क्रैच एंड विन जिसमें आप स्क्रैच करके कुछ भी प्राइज जीत सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 1,00,000 रुपये तक का पुरस्कार शामिल किया गया है कंपनी की तरफ से। अगर आप स्क्रैच करते हैं और आप विन हो जाते हैं तो उसमें आपको 1,000 रुपये का बम्पर पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कोई आपको 1,00,000 रुपये का कैश नहीं मिलेगा, यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ बोला है कि यहाँ पे 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अब 1,00,000 रुपये का क्या पुरस्कार हो सकता है ये कंपनी को ही पता है, और जहाँ तक मुझे भी है कि ये तो बहुत कम ही लोग को रेयर केस में ही ये चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी भी इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि 1,000 रुपये किसी को भी ये ऑफ़र कर देंगे।
तो ये चीज़ें एक कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने निकाला है कि हम यामा के स्कूटर में 1,00,000 रुपये तक का पुरस्कार दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे किनको क्या कुछ मिल पाता है। बट यहाँ पे ये भी ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल ऑफर निकाला गया यामा की तरफ से, अगर आप स्क्रैच करते हैं और विन होते हैं तो इसमें आपको 1 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जा सकता है अगर आप विन होते हैं। तो ये 4th ऑफर आपको इसी 2 मॉडल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने ये जो ऑफर बताए हैं ये पूरे इंडिया के लिए वैलिड है, और जो बड़े बड़े सिटी है उसमें उनके शोरूम में आपको ये ऑफर देखने को मिल जाएगा, छोटे सिटी के शोरूम में भी ये ऑफर देखने को मिल जाएगा। बट मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो रूरल साइड में, जो गांव टाइप इलाके में जो सब डीलर होते हैं वहाँ पे ये ऑफर आपके लिए वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वहाँ के जो सब डीलर के मालिक होते हैं वो अपने हिसाब से ऑफर देते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ऑफिशियल ऑफर वैलिड नहीं करता है। तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, अगर आप जो ऑथराइज शोरूम होता है उसके शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऑफर चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट जो अनऑथराइज है, जो यामा के साथ ऑथराइज नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको ऑफर देखने को नहीं मिलती है। बाकी एक जो है तमिलनाडु में, यहाँ पे ग्राहकों को थोड़ा सा जो ऑफर है वो चेंज देखने को मिलता है, बाकी जो पूरे इंडिया है वहाँ पे आपको जो मैंने बताया वो चीज़ें सेम देखने को मिलता है। जो तमिलनाडु है उनके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यामा है जो ग्राहक को 3,876 रुपये का इंश्योरेंस दे रही है, या फिर आप कम से कम 999 रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑफर तमिलनाडु के लोगों के लिए है, यहाँ पे एक ही ऑफर आपको मिलता है, या तो आप 3,876 रुपये का इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब जितना भी आपने आपका इंश्योरेंस होगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा तमिलनाडु वाले लोगों के लिए, या फिर आप 999 रुपये का डाउन पेमेंट दे के आप इस स्कूटर को ले सकते हैं। मतलब दोनों में से सिर्फ एक को ही आपको चुनना है, या फिर आप 999 रुपये का डाउन पेमेंट दीजिए, या फिर आप 3,876 रुपये का इंश्योरेंस का बेनिफिट ही ले सकते हैं। तो ये एक ऑफर हो जाता है जो कि आपको ये दोनों मॉडल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉडल में क्या कुछ आपको ऑफर देखने को मिलता है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पिछले बार भी मैंने काफ़ी सारे ऑफर वाला वीडियो बनाया था दिवाली ऑफर, फेस्टिवल ऑफर के बारे में, तो अगर आपको वो चीज़ें भी देखना है तो आप देख सकते हैं। हालांकि उस वो देखने के बाद कुछ आपको उसमें से बेनिफिट नहीं होने वाला, बट मैंने यहाँ पे जो 2021 में जो भी ऑफर निकलने वाला दिवाली या फेस्टिवल का, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप वो प्लेलिस्ट बीच बीच में चेक करते रहिएगा, क्योंकि उस पर मैं जो भी ऑफर वाला वीडियो होगा मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करके रखूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल में क्या कुछ आपको ऑफर देखने को मिलता है। अब जो न्यू ऑफर मिलने वाला है वो यामा के न्यू फसिनो 125 FI और रेजेडर 125 FI के हाइब्रिड मॉडल पर मिलने वाला है, जो कि रिसेंटली इन दोनों मॉडल को लॉन्च किया गया है हाइब्रिड में। पिछला वाला आपने जो ऑफर सुना था वो ओल्ड मॉडल था जिसमें आपको हाइब्रिड नहीं मिलता है, और जो अभी आप जो ऑफर सुन रहे हैं ये हाइब्रिड मॉडल में है दोनों के। हाइब्रिड में क्या कुछ आपको अंतर मिलने वाला है और प्राइस क्या है ये भी आपको मैं इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको टोटल 5 ऑफर देखने को मिलते हैं, बट इसमें से आप सिर्फ 3 ऑफर का ही फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 2 यहाँ पे ऑफर कहाँ चला गया। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहला आप 3 ऑफर एक ऑफर में ही इंक्लूड है। जी दोस्तों, 3 ऑफर एक ऑफर में इंक्लूड है, मतलब ऑप्शन मिलता है कि तीनों में से आपको कोई एक ऑफर ही चुनना है। तो सबसे पहला ऑफर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों मॉडल में आपको 5,000 रुपये का कैशबैक मिलता है। सबसे पहला ऑफर ये है कि जो आपका ऑन रोड प्राइस होगा उसमें से 5,000 रुपये का कैशबैक आपको मिल जाएगा, मतलब 5,000 रुपये का कैश माइनस कर दिया जाएगा। बाकी ये नहीं है कि आपको 5,000 रुपये का कैश इन हैंड में दिया जाएगा, तो ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा कि आपको जो ऑन रोड प्राइस हुआ है उसमें से 5,000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा, आपको हाथ में 5,000 रुपये का कैश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो ऑफर है वो ये है कि आप सिर्फ 999 रुपये का डाउन पेमेंट देके इन दोनों बाइकों का, इन दोनों स्कूटर के मॉडल को आप ले सकते हैं। और जो थर्ड ऑफर है वो है कि अगर आपके पास कोई और ओल्ड मॉडल है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंपनी 6,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट देने वाली है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो तीनों ऑफर है ये सिर्फ एक में ही इंक्लूड है, मतलब आपको 5,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, 999 रुपये का डाउन पेमेंट देना है, या फिर आप एक्सचेंज करके 6,000 रुपये का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ इन तीनों में से सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन चुनना है। अगर आप चाहते हैं 999 रुपये का डाउन पेमेंट देके इस बाइक, इस स्कूटर को लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, जिसमें से आपको 5,000 रुपये का फिर कैश वाला ऑफर नहीं मिलेगा और 6,000 रुपये का एक्सचेंज वाला ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 5,000 रुपये का कैश वाला डिस्काउंट चाहिए, तो आप सिर्फ वही ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, फिर आप 999 रुपये का डाउन पेमेंट देके ये ऑफर नहीं ले सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें, अगर आप 6,000 का एक्सचेंज करवाते हैं तो उसके बाद ये आप इन दोनों जो ऑफर है ओल्ड वाला जैसे 5,000 और 999 रुपये का, उसको ऑफर नहीं ले सकते हैं। मतलब घुमा के कंपनी इधर से या उधर से बात एक ही है, घुमा फिरा के मारने का ही काम कर रही है यहाँ पे कंपनी।
तो ये चीज़ हो जाता है कि इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे आपका ऑफ़र 5 में से 3 ही मिल पाएगा। तो ये जो तीनों मैंने बताया था यहाँ पे सिर्फ आप एक ही ऑफ़र चूज कर सकते हैं। इसी के जो नेक्स्ट ऑफ़र उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे फिर से आपको वही ऑफ़र देखने को मिलता है जो कि है 2999 रुपये का सुनिश्चित उपहार आपको दिया जाएगा। मतलब 2999 रुपये का एक फिक्स जो है कि आपको मिलना ही मिलना है। ये 100% फिक्स है कि 2999 रुपये का आपको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा यामा कंपनी की तरफ से। शोरूम में ही ये कुछ जो कि गिफ्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। इसी में जो और नेक्स्ट ऑफर के बारे में बात करें जो कि स्क्रैच एंड विन वाला ऑफर है, इसमें भी आपको 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिल जाएगा अगर आप जीतते हैं तो। स्क्रैच करके अगर आप जीतते हैं तो 1 लाख रुपये तक का आपको इसमें पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पूरे इंडिया में ये ऑफर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इस ऑफर में तमिलनाडु के लिए थोड़ा सा बदलाव किया गया। तमिलनाडु के लोग यहाँ पे भी 5000 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं या फिर 999 रुपये का डाउन पेमेंट दे सकते हैं या फिर 6000 रुपये का एक्सचेंज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। बाकी 2999 रुपये का जो फिक्स्ड उपहार है वो आपके लिए फिक्स्ड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे एक ऑफर यहाँ पे नहीं मिलता, स्क्रैच एंड विन वाला ऑफर आपको यहाँ पे तमिलनाडु में देखने को नहीं मिलता है जिसमें आप स्क्रैच करके 1 लाख रुपये तक का पुरस्कार पा सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी जितने भी ऑफर ये सुने थे ये यामाहा की तरफ से ऑफिशियल ऑफर निकाला गया है इनके स्कूटर में। बाकी अब चलिए बात करते हैं कुछ इनके फीचर के बारे में कि यामाहा की जो न्यू हाइब्रिड स्कूटर लॉन्च हुई उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, प्राइस कितना होने वाला है, क्या कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है। तो मैं बता दूँ यामाहा मोटर इंडिया दोपहिया बाजार में एक लंबा पोर्टफोलियो है जिसमें बाइक में ABS के साथ R15 V3, MT15, FZ25, FZS FI और स्कूटर में फसिनो 125 FI, रेजेडर 125 FI, रेजेडर स्ट्रीट रेले 125 के हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड मॉडल बेचती है। यामाहा ने रेजेडर 125 और स्ट्रीट रेले 125 स्कूटर के हाइब्रिड मॉडल को लॉन्च किया है। कंपनी ने इन दोनों स्कूटर को नए FI हाइब्रिड इंजन के साथ उतारा है। रेजेडर 125 हाइब्रिड के ड्रम वेरिएंट को 76,830 रुपये में उतारा गया है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट को 79,830 रुपीज में उतारा गया है। वहीं स्ट्रीट रेले 125 FI हाइब्रिड को 83,830 रुपीज की कीमत पर उतारा गया है। ये जितने भी मैंने प्राइस बताए हैं ये सारे एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली। वहीं साथ ही मैं आपको बता दूँ अगर इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो अप्रोक्स आपको 1,05,000 रुपये तक की इन सारे मॉडल की प्राइस होने वाली है। इसके अंदर ही ये सारे ऑन रोड प्राइस होने वाले हैं। बाकी जो है सिटी वाइज और शोरूम पे ही आपको सही से पता चल जाएगा कि क्या कुछ आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर जगह का ऑन रोड जो प्राइस है वो RTO पे डिपेंड करता है और शोरूम पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपसे चार्ज करते हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट पता चलेगा शोरूम में विजिट करके ही। ये मैंने आपको मोटा मोटी एक आइडिया बताया है कि 1,05,000 के अंदर ही ऑन रोड ये सारी आपको स्कूटर देखने को मिल जाएगी। वहीं अब जो इनको हाइब्रिड में लॉन्च किया गया है तो नए FI हाइब्रिड इंजन के साथ ये स्कूटर पहले से अधिक माइलेज देती है। तो हाइब्रिड का यहाँ पे आपको यही फंक्शन देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे माइलेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंजन के पावर में थोड़ा बहुत आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो हाइब्रिड में लॉन्च किए गए हैं फसिनो 125, यामाहा की ZR 125 या स्ट्रीट रेले 125 FI, तो ये सारे कुछ में आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको 125 cc का माइल्ड हाइब्रिड FI इंजन लगाया गया है जो 8.2 BHP का पावर 10.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर देती है। इन स्कूटरों में स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम SMG का इस्तेमाल किया गया है जो पावर को बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता है। फीचर के बारे में बात करें तो इन दोनों स्कूटर में कई न्यू फीचर और शानदार फीचर ऐड किए गए हैं। दोनों में आपको साइलेंट स्टार्ट, दोनों स्कूटर हैं उसमें आपको साइलेंट स्टार्ट के साथ ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको एडवांस LED हेडलाइट देखने को मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। यूनिफाइड ब्रेक सिस्टम के साथ आपको इसमें 190 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और यामाहा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया है। स्कूटर में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो यामाहा के सभी 2-व्हीलर के स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। यामाहा रेजेडर 125 FI हाइब्रिड और स्ट्रीट रेले 125 FI हाइब्रिड स्कूटर में ब्लूटूथ इनबिल्ट फंक्शन भी दिया गया है। इसका इस्तेमाल यामाहा कनेक्ट X ऐप से किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन राइडर को स्कूटर के बारे में कई तरह की जानकारी देता है। इसमें आपको राइडिंग हिस्ट्री, लोकेट माय व्हीकल, पार्किंग रिकॉर्ड और व्हीकल हजार्ड जैसी जानकारी भी मिलती है। तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है इन न्यू जो हाइब्रिड में इनको लॉन्च किया गया इसमें। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानने को मिला, इसका प्राइस मैंने बताया, बाकी यामाहा की तरफ से जो ऑफिशियल ऑफर था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और आगे भी इस तरह से कुछ ऑफर के बारे में आप ऑफिशियल ऑफर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है इस तरह से और भी अच्छी तरह से थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं जो अपडेट होता है वो सबसे पहले इंस्टाग्राम
पर ही स्टोरी में या पोस्ट में अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर जो है वीडियो बना के अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।